हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे और अपने घरों में लॉकडाउन का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? और इसके ऑप्शन ऑप्शन ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्न में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है बुधिहाल, संगनकल्लू, कोहलडेवा या ब्रह्मागिरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संगनकल्लू। ये संगनकल्लू किस स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में, जो कि नवपाषाण स्थल से संबंधित है। ठीक है, राख का टीला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन ए पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सौराष्ट्र, जो कि गुजरात का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये तो सेम वही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया था या उपयोग किया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। तो बताइए कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा, कॉपर जिसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? सीधी बात है कि घग्गर नदी के किनारे कौन सी जो स्थल है वो स्थित है। और इसके ऑप्शन ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी बनावाली। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनावाली, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल या हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये बताना है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सरस्वती, बी सिंधु, सी व्यास और डी रावी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना और डी अयोध्या। तो ऑप्शन डी तो वैसे ही दे दिया, ये वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारी। तो बताइए वैदिक सभ्यता की किस नदी के किनारे फली फूली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें कौन सी नदी है जिसका वर्णन सबसे ज्यादा बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। ओके, और जो गंगा नदी है इसका सिर्फ एक बार ही यहाँ पे जिक्र किया गया है वैदिक साहित्य में, आरंभिक वैदिक साहित्य में। और आरंभिक वैदिक साहित्य में जो यमुना नदी है उसका सिर्फ 3 बार जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, जिस मनीषी या जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे कौन थे? ऑप्शन है इसके अगत्य, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य या ऑप्शन डी वशिष्ठ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? और इसके ऑप्शन ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद,
सी ऋग्वेद और डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर बताइए कि जो हमारा गायत्री मंत्र है जो किसको समर्पित है, सूर्य भगवान को, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? और इसके ऑप्शन ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवद गीता से और डी मुंडकोपनिषद में से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो जो भारत का सत्यमेव जयते का जो लोगो है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, यानी कि ऑप्शन डी से। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका अर्थ क्या होता है सत्यमेव जयते का? तो इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया? और इसके ऑप्शन ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के सारनाथ, बिहार में बोधगया, बिहार में नालंदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने पहला अपना जो उपदेश है वो कहाँ दिया था, धर्मोपदेश? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। और इसी जो ये जो पहला धर्मोपदेश था इसी को ही हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, या बुद्ध को जो भगवान बुद्ध है उनको जो ज्ञान प्राप्ति थी वो कहाँ प्राप्त हुई थी? और इसका ऑप्शन ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कपिलवस्तु और डी राजगृह। तो बताइए कि भगवान बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, या जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर में प्रथम बोध सभा आयोजित की गई थी? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए नालंदा, गया, राजगीर या बोध गया। तो बताइए कि जो प्रथम बोध सभा है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर, जिसको हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं, जो किस स्टेट में है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के की स्थापना का युग है, मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस युग में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त और डी पाल। तो बताइए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय वो किस युग में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, और जो नालंदा विश्वविद्यालय वो कौन से स्टेट में है, बिहार में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? और इसके ऑप्शन ऑप्शन ए जमाली, बी योशुद, सी विपिन और डी प्रभाष। तो बताइए कि महावीर भगवान है उनका जो प्रथम शिष्य वो कौन था, या स्वामी महावीर के जो प्रथम शिष्य वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जमाली, जो कि महावीर स्वामी के दामाद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, मतलब कि जो आजीवक संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन ऑप्शन ए आनंद, बी राहुल भद्र, सी मखली गोसाल और डी उपाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मखली गोसाल। नेक्स्ट, इसमें बता दूं जो मखली गोसाल जी हैं वो लगभग 6 साल तक किसके साथ रहे थे, महावीर स्वामी जी के साथ रहे थे, फिर उनसे अलग हुए, फिर उसके 2 साल बाद उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? और इसके ऑप्शन ऑप्शन ए भगवान राम के, बी भगवान विष्णु के, सी भगवान जगन्नाथ के और डी भगवान शिव के। तो बताइए कि पूरी में जो रथ यात्रा निकलती है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये सेम आ गया, पूरी में रथ यात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? और इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? और इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए बौद्ध मत का एक पंथ, बी जैन मत का एक पंथ, सी एक गणतांत्रिक जनजाति, और डी चोलों के सामंत। तो बताइए कि योद्धे कौन थे प्राचीन भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक गणतांत्रिक जनजाति थी, जो कि कहाँ पे रहती थी, पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है अब, वहां पे ये निवास करते थे, मेनली जो कुरुक्षेत्र है वहां पे, जो हरियाणा में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अपना लेखक शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, या प्रियदर्शी। तो बताइए कि जो अशोक है, उन्होंने अपना जो शिलालेख है उनमें अपना नाम किस नाम से उल्लेख किया है? तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन डी प्रियदर्शी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? और इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी अशोक, और डी बिंबिसार। तो बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदुसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, और डी शिवाजी। तो बताइए कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा के जो त्रिविध आधार थे उस पर बेस्ड जो आधार धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी एक प्रति कहाँ मिलती है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी टिहरी, और डी कालसी। तो चारों जो ये प्लेसेस, जो प्लेस हैं, ये तो है तो उत्तराखंड में ही। तो बताइए कि जो अशोक सम्राट के जो शिलालेख हैं वो कहाँ मिलते हैं, एक प्रति उनकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगसनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए 4, 5, 6 या 7। तो बताइए कि मैगसनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है या विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। कौन कौन सी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? ए कांची के पल्लव का, तमिलनाडु के चोल का, या बादामी के चालुक्य का, या डी कल्याणी के चालुक्य का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, 28th का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी बादामी के चालुक्य का। जो पुलकेशिन द्वितीय है वो किसका महानतम शासक था? बादामी के चालुक्य वंश का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है, मतलब इनके जो वर्षों में कितना अंतर है? ए 57 ईयर, 78 ईयर, 135 ईयर, या 320 ईयर। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो
फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 135 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी और डी वासुदेव। तो बताइए कि जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक है वो किस राजा को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शिखर, बी वेरा, सी गांधार और डी नागर। तो बताइए कि जो भारतीय और यूनानी जो आकृतियां हैं उनका जो सम्मिश्रण है उस कला को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो बताइए, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त और डी अशोका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में या जो अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या सी अशोक महान या डी समुद्रगुप्त। तो ये तो सभी को आना चाहिए क्योंकि ये तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 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 डी समुद्रगुप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है? जो सती प्रथा था, प्रथा थी, उसका जो प्रथम जो साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एरन से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से और डी सांची से। तो बताइए कि सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखित जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एरन से, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे एक जो था सेनापति था गोपाल राज तो राजा था, उसका जो सेनापति था ना, उनकी पत्नी का जो सती होने का उल्लेख है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग और ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। तो बताइए कि जो गुप्त युग में जो भूमि राजस्व की दर थी वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/6, यानी कि उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए महेंद्रपाल, बी महीपाल, सी राज्यपाल और डी तेजपाल। तो बताइए कि जो राजस्थान में माउंट आबू है, यानी जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तेजपाल। ये किसको समर्पित है जो दिलवाड़ा मंदिर है? ये किसको समर्पित है? जो नेमिनाथ जी हैं, जो 22वें तीर्थ कर हुए हैं, किसके? जैन धर्म के। तो उनको समर्पित है। और ये कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, जो अद्वैत दर्शन है उसके संस्थापक कौन है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माध्वाचार्य और डी महात्मा बुद्ध। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए शंकराचार्य। और जो शंकराचार्य हैं ये किनके शिष्य हैं? ये गोविंदाचार्य के शिष्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कीर्तिवर्मन द्वितीय, बी विक्रमादित्य द्वितीय, सी पुलकेशिन प्रथम और डी पुलकेशिन द्वितीय। तो
पास पास में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। तो इन्होंने कहाँ पे इनको पराजित किया था, हर्षवर्धन को? तो इनको नर्मदा नदी के तट पर क्या है, पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसके ऑप्शन ऑप्शन ए फानयान, बी हैनसांग, सी इत सिंह और डी तारानाथ। तो ऑप्शन डी तो वैसे भी चीनी नाम से मिलता जुलता नहीं है, तो ये तो कट हो जाएगा। तीनों में से बताइए कि कौन सा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो इसके ऑप्शन ऑप्शन ए भरत, बी बाना, सी भास्कर और डी बहुभूति। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भारत के एक महान गणितज्ञ थे वो कौन थे इनमें से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।